हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर ट्रिक्स। आज हम 23 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके सभी जन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लास्ट में कुछ का एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। कल के कुछ का उत्तर देखते हैं। IRCTC ने लग्जरी गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम KSTDC और IRCTC द्वारा लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट का संचालन मार्च 2020 से किया जाएगा। यह पूरे दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र लग्जरी रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और धरोहरों का दर्शन कराएगी। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। करंट अफेयर्स का आज का पहला प्रश्न है कि सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर है केरल सरकार। बात करें केरल की, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। मोदी सरकार ने साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में महज एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक जैसे पानी की बोतलें और दूध के पैकेट आदि हैं। आज का अगला प्रश्न है, असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 10 ग्राम। असम सरकार के अनुसार यह उपहार उन सभी दुल्हन को मिलेगा जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है और अपनी शादी को पंजीकृत कराया है। यह योजना 1 जनवरी 2020 से शुरू होगी। इस योजना से असम सरकार को सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बात करें असम की, राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य पालन के सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक साल 21 नवंबर को मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पर्याप्त मछली उत्पादन सुनिश्चित करने तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु मनाया जाता है। यह दिवस व्यापक स्तर पर मनाने से मछली पालन एवं उससे जुड़ी समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। इस समझौते के तहत संस्थान प्रशासन के सभी स्तर पर भ्रष्टाचार को चिन्हित करने के लिए अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक समझौते के तहत IIM अहमदाबाद फिर फरवरी 2020 तक अध्ययन पूरा करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह संस्थान गांव के स्तर से सरकार के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु दिशा निर्देश लगाएगा। संस्थान भिन्न भिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु उपाय सुझाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने इसके लिए भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से हाथ मिलाया है और उनका नया और वर्तमान में चल रहा अध्ययन प्रदूषण के संकट के पीछे कारणों की पहचान करेगा। प्रदूषण का बहुत अहम स्रोत बदलते समय में फसलों के अवशेषों को चलाया जाना भी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है?
तो इसका सही आंसर है सातवां स्थान। आतंकवाद से प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत सातवें स्थान पर मौजूद है। फोर्स द्वारा जारी सूची में कहा गया है कि वर्ष 2018 में 748 आतंकी हमले में 350 लोगों की मृत्यु हुई और 540 लोग घायल हुए। भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जम्मू कश्मीर रहा, जहां 321 आतंकी हमलों में 123 लोग मारे गए। भारत में मौजूद चरमपंथी संगठनों में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, सिख अलगाववादी एवं असम के चरमपंथी संगठन मौजूद हैं। हाल ही में किस राज्य में ला कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने के समक्ष स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। इसके तहत धर्मांतरण के लिए शादी करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। ड्राफ्ट में कहा गया कि अगर किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया था लेकिन अपने पुराने धर्म में दोबारा वापसी करना चाहता है तो वह कर सकता है, यह अपराध नहीं माना जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया कि देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जा चुका है। आज का अगला प्रश्न है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? इसका नाम है X-57 मैक्सवेल। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रथम प्रायोगिक इलेक्ट्रिक विमान को लॉन्च किया है। नासा द्वारा इस विमान को X-57 मैक्सवेल नाम दिया गया है। X-57 मैक्सवेल 14 इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की जाएगी, जिन्हें विशेष रूप से तैयार की गई लिथियम आयन बैटरी से ऊर्जा मिलेगी। आज का अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में अपने कितने पेटेंट्स को औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया है? इसका सही आंसर है 450। रक्षा अनुसंधान और रक्षा संगठन DRDO ने हाल ही में अपने 450 पेटेंट तक मुफ्त पहुंच की अनुमति दी है। संगठन का उद्देश्य घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से स्टार्टअप्स और रणनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें 50 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो अनुसंधान और विकास में शामिल है। आज के क्विज का प्रश्न, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है, असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को कितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।